वेलकम बैक टू अवर चैनल दोस्तों, मेरा नाम अली हैदर है। मेरा नाम आमिर है। तो दोस्तों, डॉन मूवी का भाई नेक्स्ट पार्ट है। लास्ट में देखा किंग खान को, उसने मार दिया एक को भाई जासूस को, देखते हैं। रमेश, वेरी सैड, वेरी सैड। मैंने तुम्हें हमेशा बहुत काबिल समझा है, मगर अफसोस कि तुमने मुझे ऐसा नहीं समझा। एक बार मुझसे कह रहे थे कि तुम ये काम छोड़ना चाहते हो, मैं तुम्हारे लिए सब इंतजाम कर। मैं क्या मुझसे गलती हो गई? ऐसा क्यों कह रहे? उस लड़की से नाम क्या है उसका? कामिनी। कामिनी, कामिनी से तुम्हारा प्यार गलत है क्या? खैर, मैं तुम्हें अलविदा कहने आया हूं। रमेश, हैव अ नाइस लाइफ। एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, और अगर वो तालाब मेरा होने वाला हो तो उसे मारना जरूरी हो जाता है। रमेश, लोग डॉन को नहीं दुनिया को छोड़ते हैं। कामिनी, मुझे कुछ सवाल करने हैं। क्या जानना चाहते हैं? रमेश हमेशा डॉन के साथ रहता था, ये बात सही? हाँ। क्या तुम्हें ऐसी कोई जगह याद है जहां वो अक्सर जाता था? ये इंफॉर्मेशन डॉन को पकड़ने में मेरी मदद कर सकती है। उसे पकड़वाना मेरा मकसद नहीं है अफसर। कामनी, तुम कोई ऐसा काम मत करना जिससे तुम्हारी जान को खतरा हो। मुझे अपनी अमली की परवाह नहीं है, मगर पुलिस डिपार्टमेंट को है। Oh my God.
छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। Kills you. ये कैमरा, ये पिस्टल, इतनी सिक्योरिटी की जरूरत क्यों है? इस होटल में सिर्फ डू नॉट डिस्टर्ब साइन से काम नहीं चलता। सोच रहा हूं कि मुझे दो तरह की लड़कियां पसंद नहीं आती, एक वो जो मेरे पास आने में बहुत देर कर रहा है और दूसरी वो जो बहुत जल्दी आ जाए। और मैं तुम्हारे पास बहुत जल्दी आ गई। हाँ, क्या नाम बताया तुमने अपना? सोनिया। सोनिया, सोनिया, हमारे मिलने और तुम्हारे यहां मेरे साथ इस होटल रूम में होने के बीच सिर्फ आधे घंटे का फर्क है। वो इसलिए कि तुम्हें देखकर ऐसे लगा जैसे मुझे तुम्हारी तलाश थी। मुझे बहुत बोर करनी है सर। Shall I get it? No, it's mine. Why don't you come inside and get into something more comfortable? Sure. और पहनने के लिए है। राम था। किससे बात कर रहे हो? I'm sorry. वो मेरी आंटी से। जरा लेट हो जाती हूँ तो खामखा परेशान हो जाती है। उन्हें सच भी तो नहीं बता सकती कि मैं कहाँ हूँ और किसके साथ हूँ। अगली बार अपनी आंटी को भी साथ लेती है ना। She's not your type, Don. Oh, yes. इतनी जल्दी क्या? इसके अलावा मुझे रोकने के लिए यहाँ रखा गया है। यार ये मैडम तो उस पापा की भेजी हुई है। हमें लगा यार ये भी चालाक मिली हुई है शायद डॉन से, अपने उस पति को मरवा दिया और अभी खुद अयाशी कर रही है। पर नहीं भाई, इसकी अयाशी नहीं है, ये पुलिस के साथ मिली हुई है। डॉन ने देख लिया किससे बात कर रही हो और बहाना बना लिया आंटी थी। और डॉन भी पागल हो गया इस बार, खूबसूरत है वरना तो लोगों को ऐसे मार देता है, वो डायरेक्ट कुछ सवाल ही नहीं करता। पर अभी इसको यार ये है भी खूबसूरत ने क्या करे यार डॉन, देखते हैं क्या हो रहा है कि मस्त पार्ट था। अभी तो हमने पहले देखा था डॉन की भाई क्या दिमाग की चालाकी। अभी इस बार तो ठंडा पड़ गया है, डॉन भी ये बातें कर रही है, बड़ी मटका मटका के चल रही है भाई। डॉन को ही हमारे को पागल बना रही है आंटी का बोले। ये वाला जो पार्ट था ना बहुत अच्छा लगा, खासकर डॉन का जो पहले जो स्टाइल था ना उस हरामी को मारने का। भाई तू जाना चाहता है तो एक बार तुम मुझे बोल देता ना भाई, पता नहीं कौन सा इंजेक्शन उसको घोंप दिया, उसको निपटा डाला उधर ही। ये वाली लड़की भी आई है डॉन के पास तैयार होकर, एकदम बढ़िया सी होकर। डॉन भी मस्त हो गया इसको देखकर।